आपने अक्सर मानहानि यानी डिफेमेशन के बारे में सुना होगा। आइए जानते हैं कि क्या होती है ये डिफेमेशन या मानहानि, जिसको लेकर कि बड़े बड़े नेता आए दिन कोर्ट में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ ऐसी बात कह देता है या टिप्पणी कर देता है जिससे किसी का नाम खराब हो जाता है या समाज में उसकी प्रतिष्ठा यानी सम्मान की हानि होती है। ये इरादतन या गैर इरादतन दोनों हो सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास क्या उपाय है, वो व्यक्ति मानहानि का केस कैसे कर सकता है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 499 एंड 502 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना डिफेमेशन के अंदर आता है। आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि कानून में मानहानि किन बातों को माना जाता है। मृत व्यक्ति को कोई ऐसा लांछन लगाना जो उस व्यक्ति की ख्याति को नुकसान पहुंचाता हो और उसके परिवार या निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता हो, ये भी मानहानि माना जाता है। दूसरा, किसी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी यही बात लागू होती है कि अगर कोई ऐसी बात कहे जिससे उस कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगे तो ये भी मानहानि मानी जाती है। तीसरा, किसी व्यक्ति पर व्यंग के रूप में कही गई बातें भी मानहानि के अंदर आती हैं। चौथा, मानहानिकारक बात को छापना या बेचना भी डिफेमेशन कहलाता है, यानी किसी ने किसी के खिलाफ कोई पर्चा लिखा और उसे अखबार में प्रकाशित करवा दिया या फिर उसे छापकर पैम्फलेट्स बंटवा दिए, तो ये सब भी मानहानि है। लेकिन एक बात और भी सच है कि सच्ची टिप्पणी मानहानि के अंतर्गत नहीं आती। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कही गई हो जो सच हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि अमुक नेता या अमुक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है और वो सत्य हो और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में बात हो, तो फिर अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो ये मानहानि के दायरे में नहीं आती। आईपीसी सेक्शन 499 में ये भी बताया गया है कि पब्लिक की भलाई को ध्यान में रखते हुए अगर किसी बात को आगाह किया गया हो या इस तरह की बात कही गई हो तो भी वो मानहानि के अंदर नहीं आती। आईपीसी का सेक्शन 499 मानहानि के बारे में डेफिनेशन देता है, वो बताता है कि कौन सी बात मानहानि हो सकती है और कौन सी नहीं। अगर ये डेफिनेशन नहीं होती तो कोई भी कोर्ट में जाकर किसी को भी घसीट लेता। इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 502 के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई मानहानि का केस प्रूव कर देता है तो उसके खिलाफ क्या सजा हो सकती है। इसमें सजा में जो प्रावधान है वो 2 साल तक की सजा हो सकती है और हर्जाना भी लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोर्ट में व्यक्ति ये साबित कर देता है कि किसी की टिप्पणी से उसकी ख्याति को, उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचा है, तो वो ऐसा करने वाले के ऊपर मुकदमा डाल सकता है और हर्जाने की मांग भी कर सकता है। मानहानि भी 2 तरह की होती है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो दोनों के ही अंतर्गत ये कोर्ट में केस चलाया जाता है और अपनी अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग ही ये डील किए जाते हैं, इस पर मामले आगे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव कर देता है कि वाकई में किसी की टिप्पणी से उसकी वास्तविक आर्थिक हानि हुई है तो वो हर्जाना भी ले सकता है। उसके लिए उसे कोर्ट में दीवानी का यानी कि सिविल का मुकदमा दायर करना होता है और हर्जाना प्राप्त करना होता है।